हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू टीम क्लासेस चैनल। एंड स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को देखने के बाद से आपको पता चल जाएगा कि किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी केंद्र के कौन कौन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इट मीन्स के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज के इस वीडियो में आपको चैप्टर 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशी केंद्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को बताने वाली हूँ। और मैंने आपसे पहले भी बताया कि फिजिक्स का पार्ट 1 मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया, उसके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं उन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया है। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। ओके, और किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी यंत्र के बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि इम्पॉर्टेंट है एंड लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने बता दिया है, तो वीडियोस को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं, काफी इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद से जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशी केंद्र के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश के अपवर्तन को सचित्र परिभाषित करते हुए अपवर्तन के दोनों नियम व अपवर्तन का कारण लिखिए। यानी प्रकाश की अपवर्तन को सचित्र आपको परिभाषित करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की अपवर्तन को सचित्र परिभाषित कीजिए। इट मीन्स कि आपको फिगर ड्रॉ करके फिगर की सहायता से आपको प्रकाश के अपवर्तन को समझाना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, फिगर ड्रॉ करके आपको अच्छे से प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझाना है। ओके, और आगे है कि परिभाषित करते हुए, ठीक है, परिभाषित करते हुए अपवर्तन के दोनों नियम क्या बोल रहा है, दोनों नियम व अपवर्तन का कारण लिखिए। आपको ये भी बताना है कि जो प्रकाश के प्रकाश का जो अपवर्तन है उसका कारण क्या है, किस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, और अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं वो आपको बताना है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिया है तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन है। सो बहुत ही ज्यादा मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे, 8 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्लीज आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, कि प्रकाश के अपवर्तन को सचित्र परिभाषित करते हुए अपवर्तन के दोनों नियम व अपवर्तन का कारण लिखिए। और देखिए, इस पे इस एक क्वेश्चन से ना ये अपवर्तन का जो अपवर्तन से रिलेटेड जो पॉइंट है सारे कंप्लीट हो जाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है और अपवर्तन के दोनों नियम कौन कौन से हैं और अपवर्तन को सचित्र परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कम्प्लीट हो गया और ये है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज की इस वीडियो को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मैं आपको इसमें ये बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। ओके, क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और उसी में है ये क्वेश्चन कि क्रांति कोण को स्पष्ट कीजिए तथा क्रांति कोण सी व अपवर्तनांक एन के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपको क्रांति कोण सी व जो अपवर्तनांक एन है उसके मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन है। मैंने आपको जब लघु उत्तरीय प्रश्न बताया होगा तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो काफी हैप्पी होंगे, बिकॉज आपको पता होगा कि जो आप मैंने आपको क्वेश्चन बताया होगा वो आपको पहले से ही पता होगा या फिर याद होगा, तो आप बहुत खुश होंगे कि ये क्वेश्चन तो मुझे याद है। ओके, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं याद है लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसे भी याद कर लीजिए। देख कर इन क्वेश्चन को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, बस लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपको डर लग रहा है कि कैसे याद होगा। तो कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे से याद कीजिए, ठीक है, याद हो जाएगा। ओके, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और क्रांति कोण को स्पष्ट कीजिए तथा क्रांति कोण सी व अपवर्तनांक एन के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम लोग अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए तथा विस्तार पूर्वक परिभाषित कीजिए। कि मानव नेत्र क्या है इसके बारे में आपको चित्र की सहायता से अच्छे से स्पष्ट करके बताना है, ताकि जो एग्जामिनर है उसे अच्छे से समझ में आए, तथा विस्तार पूर्वक परिभाषित कीजिए। ताकि और आपको बड़ा, मतलब कि चित्र की सहायता से तो बताना है लेकिन बड़ा आपको विस्तार पूर्वक परिभाषा देकर बताना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
सो इस पर आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपको अच्छे से इसे बताना है, ठीक है। तो अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। खगोल दूरदर्शी जो है उसकी संरचना आपको बतानी है, मतलब कि फिगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, खगोल दूरदर्शी का। और देखिए आपको यहाँ पर कहा है कि खगोल दूरदर्शी की संरचना तथा क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। अगर आपको खगोलीय दूरदर्शी या फिर किसी की भी बात की जाए, किसी का भी फिगर ड्रॉ कर ले आप और अच्छे से समझ ले उस फिगर को, उस चित्र को अच्छे से समझ ले, तो आप क्रिया विधि तो बनाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो खगोलीय दूरदर्शी के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो संरचना आपने बनाई होगी, तो उसे बस आप अच्छे से समझ ले, ठीक है। और उसके बाद से क्रिया विधि आप अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, मतलब उसमें जो लिखा है आपको पहले से ही पता है चित्र के बारे में, तो आप बना बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि किताबी भाषा ही लिखा जाए, जो किताब में लिखा है वही लिखा जाए। अगर आपको उस चित्र के बारे में अच्छे से पता है कि उसमें क्या क्या कह रहा है, तो आप उसे अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। उस पर भी आपको पूरे फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइव नंबर की, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंस की यहाँ पर बात हो रही है, और उनके संयोजन की फोकस दूरी, जो फोकस दूरी है उसके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, मतलब कि उसके लिए सूत्र आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगला सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के लिए 1/f = 1/u + 1/v की स्थापना कीजिए। मतलब कि इसमें से सीधा सीधा यही कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अवतल दर्पण के लिए आपको इतना, ये जो फॉर्मूला है 1/f = 1/u + 1/v इसकी स्थापना करनी है, इसको प्रूव करना है, ठीक है। उसी तरह सेम किसी उत्तल दर्पण के लिए 1/f = 1/u + 1/v की स्थापना कीजिए, ठीक है। मतलब कि सेवन नंबर क्वेश्चन में भी वही करा है, अवतल दर्पण के लिए आपको ये सूत्र प्रूफ करना है और उत्तल दर्पण के लिए भी आपको यही सूत्र प्रूफ करना है, ठीक है। लेकिन बात है कि ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, अगर आपको इन दोनों का प्रूफ करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपसे अवतल दर्पण ही पूछे, उत्तल दर्पण भी पूछ सकता है, ठीक है। और उत्तल दर्पण भी जरूरी नहीं, अवतल दर्पण भी पूछ सकता है, इसलिए आपको दोनों को ही तैयार करना है। इसी तरह एट नंबर क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस के लिए 1/f = 1/v - 1/u का जो फॉर्मूला है वो सिद्ध करना, और अवतल लेंस के लिए भी आपको 1/f = 1/v - 1/u फॉर्मूला है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आया होगा, ये थे लॉन्ग क्वेश्चन, आई होप सो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। और सब्सक्राइब नहीं किया तो टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।